यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तुम अपनी उंगलियों से, मैं तो हूं इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में आ, तुझको सनम मेरी कसम आ जा रे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द सिंगिंग शेफ और गाना। आज लगने वाली है मेरी चाट की दुकान, तो देखिए ये मेरी कलरफुल चाट की दुकान। आज मैं बनाने वाली हूँ पानी पूरी, आप उसे कैनपीज कह सकते हैं, आप उसे कॉर्न बास्केट कह सकते हैं, मैं वो बनाने वाली हूँ और दही बटाटा पूरी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पानी पूरी। तो ये है मेरे पानी पूरी के इंग्रेडिएंट्स। हम पुदीना मैंने एक बड़ा बंडल लिया है और ये धनिया पत्ती मैंने एक छोटा बंडल लिया है। बेसिकली पुदीना और धनिया पत्ती 1:2 का प्रपोर्शन है। जैसे अगर आपने इसे धनिया पत्ती 1 बोल लिया है तो आप पुदीना 2 बोल्स ले सकते हैं। मिर्ची जितना आप तीखा खाएं वैसा, और ये पिंक सॉल्ट डालेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार। ये है भुना हुआ जीरे का पाउडर और ये है नींबू। पुदीना धनिया पत्ती और मिर्ची को पीस लेंगे। ये हमारा पानी का मसाला बन के रेडी है। ये मेरा पानी बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें मैंने 3 लीटर पानी डाला था, 4 टेबलस्पून ऑफ जीरा पाउडर और सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, और नींबू मैंने इसमें बड़े वाले 3 नींबू स्क्वीज करके डाले हैं। ये है मेरा रगड़ा। ये आपको पता होगा वाइट वटाना आता है, वो वटाने को आप 3-4 आवर्स सोक करके रख दीजिए और फिर हल्दी नमक डाल के उसे बॉइल कर दीजिए और ये थोड़ा थिक होना चाहिए। और ये हमारी पूरी। ये मेरा पहला चाट की दुकान जो मैंने पानी पूरी की लगाई है वो तैयार हो गई है। अब हम इस पानी को फ्रीजर में रख देंगे। अब जो हमारा दही बटाटा पूरी है और जो हमारे कैनपीज या फिर वो कॉर्न बास्केट्स जो मैंने आपको कहे थे, उसके लिए हम चटनी बना देंगे। तो ये पुदीना है और ये धनिया पत्ती है, ये अदरक है और मिर्ची है जितना आप तीखा खाते हैं। तो ये पुदीना और धनिया पत्ती आप 1:1 प्रपोर्शन में ले सकते हैं और इसमें नमक स्वाद अनुसार और नींबू 10-12 ड्रॉप्स। ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। ये हमारे कैनपीज के मसाले का या है ये इंग्रेडिएंट्स है। ये बॉइल्ड पोटेटोज है जिसको मैंने मैश किया हुआ है। ये जिसका हम वघार करने वाले हैं, ये है उड़द की दाल, राई और हींग, हल्दी, ग्रीन चिलीज और करी लीव्स, जिसे मैंने ग्रीन चिलीज को छोटा छोटा कट कर लिया है, पिंक सॉल्ट जो स्वाद अनुसार है और लेमन। ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है, बताया था हींग, उड़द की दाल और राई, वो हम साथ में इसमें डाल देंगे। जब तक ये उड़द की दाल अपना थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, वो रेडिश हो जाएगा, तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। ये देखिए हमारे उड़द की दाल ने कलर चेंज कर दिया है और राई भी फूट गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी हल्दी और करी पत्ता। स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और हमारे मैश पोटेटोस एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट स्वाद अनुसार एंड लेमन, जैसे मैंने आपको बताया था 10-12 ड्रॉप वुड बी मोर देन एनफ। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। ये मेरे कैनपीज के इंग्रेडिएंट्स है। ये देखिए मेरी क्यूट कैनपीज, उसमें हम जैसे हम सेव पूरी बनाते हैं वैसे ही हम ये मसाला कांदा, टमेटोज और धनिया और ये लेमन, सेव, ये सब डाल के उसे गार्निश करके प्रेजेंट करेंगे। ये है मेरे दही बटाटा पूरी का इंग्रेडिएंट्स।
दही जिसे मैंने थोड़ा सा विप करके रखा हो, विप एज इन मिक्स करना है, उसके गाठे निकाल देने हैं, सेव, सॉल्ट एज पर टेस्ट, दाड़म फॉर गार्निशिंग और धनिया पत्ती, और ये मैश पोटेटोज है जिसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया और कुछ भी नहीं, और इसे वो जो पानी पूरी का पूरी है उसी में ये दही बटाटा पूरी बनाना है। हम दही बटाटा पूरी बना देंगे, ये जो पोटेटो की फिलिंग है उसको डालेंगे, ज्यादा इसमें दही होना चाहिए, फिर हमारी जो दही है वो डाल देंगे, चिल दही है हमारी एकदम। अब ये हम इसमें सॉल्ट बहुत थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही इसमें सॉल्ट डाला हुआ था मैश पोटेटोज में। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती और सेव और दाल। देखिए फ्रेंड्स, मेरी दही बटाटा पूरी बिल्कुल बन के रेडी है। अब हम कैनप्स बना लेंगे। ये जो मैंने मसाला प्रिपेयर किया था वो हमारी मीठी चटनी इमली वाली है, आई एम श्योर सबके घरों में ये होती ही होगी। थोड़ा सा चाट मसाला इस पे स्प्रिंकल कर देंगे, टमेटोस, और लास्ट में सेव हमारे गार्निशिंग के लिए। लास्ट में हम इसे गार्निश कर देंगे इसे। ये दोस्तों हमारी कैनपीज बनके बिल्कुल रेडी है। कैसे दिख रही है कि फ्रेंड्स, पानी पूरी मेरी फेवरेट है तो मैं डेफिनेटली उसे टेस्ट करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये मेरी चाट की दुकान आज की अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज बेल आइकन दबाइए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज, आई लव यू।